गया था यार, बंद कर बंद कर। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। बेलजन बीप के प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों को खुश आमदेद कहते हैं। उम्मीद करूंगा आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बेलजन बीप आपके लिए आज एक और नई खूबसूरत डिवाइस लेके आया है, जो कि है वीवो S1। जी नाज़रीन, वीवो S1 एक और बहुत ही खूबसूरत डिवाइस। जैसे कि आपको मेरे लेफ़्ट राइट नज़र आ रही होगी, एक ये कलर है, एक ये कलर है। अभी मैं आपको कलर का नाम नहीं बताऊंगा, अगर अभी बता दिया तो सारा चार्म ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर बताता जाऊँ कि ये बहुत ही खूबसूरत डिवाइस है। और ये जो दो कलर मैंने अपने सामने रखे हुए हैं, ये वो कलर हैं जो मेरे हॉट फेवरेट हैं। आप सोच नहीं सकते कि ये जो कलर है, इसको अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मेरे ख़्याल में ये आपकी सोच से भी बढ़ के अलग मेंशन किया गया है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये ब्लैक कलर है। आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर है, और ये स्काई ब्लू कलर है, जो कि बहुत ही खूबसूरत कलर है। और ये दोनों कलर मेरे हॉट फेवरेट हैं। एनी हाउ, इनकी तारीफों से आगे चलते हैं कि ये डिवाइस है क्या। तो ये वीवो की वो डिवाइस है जो कि वीवो ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराई। इससे पहले एक डिवाइस थी जो कि 6128 में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी, लेकिन करेंटली ये डिवाइस आई है हमारे पास 4128 में। जी नाज़रीन, ये वीवो S1 4GB 128GB में आपको मिल रही है 36,000 में। और अगर आप बेलजन बीप के प्लेटफॉर्म पे आके इस डिवाइस को परचेज़ करते हैं तो इसमें आपको मज़ीद बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो उम्मीद करूँगा कि आप हमारी आउटलेट ज़रूर विज़िट करेंगे, हमसे ज़रूर ये डिवाइस परचेज़ करेंगे। और इसके साथ साथ जो है हमारे जो इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट कह लें या अदर बेनिफिट्स कह लें, तो वो भी आपको इसमें गेन करने का मौका मिलेगा। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए मेरे ख्याल में इस डिवाइस को ऑन करके लेके चलते हैं। आप कंफ्यूज ना होइएगा कि मैं इसकी तारीफ़ कर रहा था और ऑन मैंने ये डिवाइस किया है, एक्चुअली ये मेरे पास डमी है। तो इसलिए इसको साइड पे रखते हुए मैं एक्चुअल फ़ोन की तरफ आता हूँ, जिसको ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। साथ साथ आपको बताता जाऊँ कि एज़ यूजल, जैसे कि मैं आपको इसकी एसेसरीज़ के बारे में बताता हूँ, आज मैं स्टार्ट ही पाउच से कर रहा हूँ। तो इसका बहुत ही खूबसूरत सिलिकॉन पाउच है, जिसमें कि आपको तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो इस साइड पे दी गई है, वो आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या है। और इसमें आपको जो चार्जिंग मिलती है वो मिलती है नॉर्मल। उसके साथ साथ आपको इसमें 2 एम्पीयर का चार्जर मिलता है, अडैप्टर मिलता है। साथ में आपको वीवो की जेन्युइन हैंड फ्री मिलती है, जो कि बहुत ही स्टाइलिश और मज़ेदार सी चीज़ है। तो ओके, फ़ोन ऑन करते हैं, अपना फ़ोन सेट अप करें। तो मैं इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ। जी तो ये डिवाइस ऑन हो चुकी है और बिल्कुल रेडी कंडीशन में है, यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मज़ेदार किस्म के आपके सामने फल फ्रूट भी आ रहे हैं, जो कि आपको सिर्फ देखने के लिए इस डिवाइस में मिल रहे हैं। उसके साथ साथ एक और आपको बताऊं, समटाइम ये होता है कि कोई भी डिवाइस जब आप न्यू ऑन करते हैं, यूज़ करते हैं, उसमें एक चीज़ आती है, एक लैकनेस आ रही होती है, ये वाली चीज़, ठीक है, जो कि आपको इस डिवाइस में नहीं आ रही। ठीक है, कहने से मुराद ये है कि जो इसके अंदर चिपसेट लगा हुआ है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। सिम, अगर मैं इसमें बात करना चाहूँ कि आप इसमें गेम्स खेलते हुए आपको ये डिवाइस लैक नहीं करेगी, तो मेरे नहीं ख्याल कि मैं गलत कह रहा हूँ। एनी हाउ, इस डिवाइस के फीचर्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको इस डिवाइस के बारे में बता चलूँ, तो इसमें ऑक्टाकोर 2.0 का प्रोसेसर लगाया हुआ है। उसके साथ साथ MTK P65 इसके अंदर जो है वो चिपसेट लगी हुई है, जो कि काफ़ी बेहतर है। कह लें कि इस रेंज के अंदर बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये उन्होंने चिपसेट लगाई है। और
जो स्क्रीन आपको सामने नज़र आ रही है, अगर मैं आपको एक चीज़ मज़े की बताऊँ तो काफ़ी शाइनी और काफ़ी ग्लोरियस है ये इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन। ऑल्दो कि ये 1080x2340 में है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त इसका है, आईज पे जो है इफेक्ट नहीं करता। इसका जिस तरह के बैकएंड पे थीम लगा हुआ है, नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं इसमें अपना कह लें कि आई कंफर्ट मोड जो है वो उसको ऑन कर लेते हैं ताकि हमारी आईज को जो है वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो उसके लिए। उसके साथ साथ अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल इसका फ्रंट कैमरा लगाया हुआ है उन्होंने, और बैक पे जो है इसके 3 कैमरे लगाए हुए हैं। इसमें मुझे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है ब्लैक कलर के अंदर, वो इसकी गोल्डन शाइन है जो कि बहुत ही मतलब कह लें कि एक डिफरेंट लुक दे रही है और बहुत ही मज़ा कर रही है। एनी हो, इसमें जो बैक कैमरा लगाया गया उसके अंदर आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल LED फ्लैश लाइट आपको मिल रही है इसके साथ साथ। कैमराज की जैसे मैंने बात की है तो नज़रीन कैमराज के वाले से मैं आपको बताते चलूँ कि इससे मैंने ऑलरेडी कुछ शॉट्स लिए हुए हैं जो कि ये फ्रंट कैमराज के हैं। ये मेरे कोलीग हैं जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो ये सारी वीडियो को कैप्चर कर रहे हैं, और साथ में ये इसके बैक कैमराज पे कुछ स्नैप्स हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। एक चीज़ जो थोड़ा सा मेरे लिए परेशान कौन है वो ये है कि जब भी मैं कोई डिवाइस लेता हूँ तो उसमें ये चीज़ से करता हूँ कि यार ये जो इसमें ग्रेन से फील हो रहे हैं ना, आपको कंपनीज को अब इस बारे में सोचना चाहिए कि जब आजकल कैमरास का टाइम है तो इसका स्कोप भी ज़्यादा है, कैमरास का लोग सेल्फीज लेना, वीडियोस बनाना, वो चीज़ सारा चेक करते हैं, तो ये ग्रेन जो है ना ये इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कंपनीज को कि ये ना आए कैमराज में ना जूम करने का। फिंगरप्रिंट नहीं है, असल में इस डिवाइस में फिंगरप्रिंट जो मिलता है वो आपको इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट मिलता है। तो इसका जो इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट है उसको टेस्ट करते हैं कि वो कैसे यूज हो सकेगा। होते हैं तो वो मैच हो जाता है, ये फिंगरप्रिंट लग चुका है, ये देखें नाज़रीन, ये जैसे ही मैंने लगाया और बहुत ही सरप्राइजली जो है वो ये ऑन हुआ है। ठीक है, ये इनफैक्ट अगर आप भूल जाते होते हैं तो उसमें आपको इजी होता है कि ये आप अपना कर सकते हैं, फेस लॉक भी साथ में लगा सकते हैं, उसके साथ साथ पासवर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक यूज़र एक्सपीरियंस था आप लोगों के लिए फिंगरप्रिंट का, जो कि यहाँ पे ईजी है और बहुत ही कह लें कि माइनस सेकंड में जो है वो ये डिवाइस आपकी अनलॉक होती है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि पाउच के ऊपर के एक इस साइड पे एक बटन बना हुआ है, और वो बेसिकली बटन जो है किस चीज़ का हो सकता है आपकी सोच के मुताबिक, एक्चुअली इस बटन से आप विदाउट जो है वो टाइम ज़ाया किए आप डायरेक्ट गूगल पे जा सकते हैं। ठीक है, और वो कैसे जाएंगे, आप इस बटन को 2 times प्रेस करेंगे तो आपका गूगल जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये इस वक्त इंटरनेट नहीं है तो दैट्स वाई जो है ये इशू दे रहा है, अदरवाइज अगर इंटरनेट होगा तो ये डायरेक्ट आपके सामने गूगल ही ओपन होगा। वैसे तो स्क्रीन के ऊपर भी आपको यहाँ पे गूगल मिल रहा है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा कह लेंगे शॉर्टकट की आपको दी गई है। बहरहाल, इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं चेक करना चाहूँगा इस डिवाइस में, ये मैं लाजमी चेक करता होता हूँ। और आज मैंने इंजेक्टर जो है वो ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, बल्कि इसमें जो है आपको मेमोरी कार्ड ऑप्शनल दिया गया है। तो एक अजीब सी बात है कि एक ऐसी डिवाइस जिसमें आपको 4 GB RAM के साथ 128 आपको स्पेस मिल रही है,
तो उसमें अगर आप ऑप्शनल मेमोरी कार्ड जो है वो रखते हैं तो वो मेरी सोच से तो भला था है। बहरहाल कंपनी ने जिस वाले से भी इसको रखा है वो इस चीज़ को बेहतर समझते होंगे। ये थी हमारी आज की डिवाइस वीवो S1। उम्मीद करूँगा नाजरीन आपको आज की डिवाइस के हवाले से रिव्यूज़ और एक्सपीरियंस पसंद आए होंगे। हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच किया करें क्योंकि इसमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट हमने एंड पे रखा होता है जो कि आपके फ़ायदे के लिए होता है, जो कि एक अलग सी चीज़ होती है। जैसे कि आज हमने इसमें सिम जैकेट का आपको बताया कि इसमें ऑप्शनल है कि आप इसमें मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं, और मेमोरी कार्ड ना भी डालें तब भी आपका 128 GB का जो इसमें कह लेंगे इसकी स्पेस है वो इनफ है। तो आज तक के लिए इतना ही। नई आने वाली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ़ से बेल्स एंड बीप की टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज़।